नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टॉर्सेमाइड टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, टॉर्सेमाइड टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और टॉर्सेमाइड टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि टॉर्सेमाइड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में टॉर्सेमाइड टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। टॉर्सेमाइड टैबलेट का उपयोग शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से लकवा लगने का, दिल का दौरा पड़ने का और किडनी खराब होने की समस्याएं होने का जोखिम अधिक हो जाता है। शरीर में लिवर, किडनी और दिल से संबंधित बीमारियां होने की वजह से पैरों या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है, इसलिए सूजन को कम करने के लिए भी डॉक्टर टॉर्सेमाइड टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। टॉर्सेमाइड टैबलेट डायूरेटिक ड्रग क्लास की दवा है। टॉर्सेमाइड टैबलेट को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है, इसलिए डॉक्टर टॉर्सेमाइड टैबलेट को उन लोगों को भी लेने की सलाह दे सकते हैं जिन व्यक्तियों को कोई किडनी से संबंधित समस्या है या जिन लोगों की किडनी अच्छी तरह से काम नहीं करती है। टॉर्सेमाइड एक सॉल्ट नेम है। टॉर्सेमाइड टैबलेट को डाइटोर आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। टॉर्सेमाइड टैबलेट 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg और 100 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे कि टॉर्सेमाइड टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। टॉर्सेमाइड टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर टॉर्सेमाइड टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। टॉर्सेमाइड टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपको टॉर्सेमाइड टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना टॉर्सेमाइड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि टॉर्सेमाइड टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में टॉर्सेमाइड टैबलेट की वजह से कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में टॉर्सेमाइड टैबलेट की वजह से चक्कर आ सकते हैं, सिरदर्द हो सकता है, कानों में कुछ बजने की आवाज आना और आँखों में धुंधलापन हो सकता है। इसके अलावा टॉर्सेमाइड टैबलेट की वजह से नींद अधिक आना, पेट में बेचैनी, दस्त और शरीर में कमजोरी हो सकती है। टॉर्सेमाइड टैबलेट की वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का संतुलन बिगड़ सकता है। अगर आपको टॉर्सेमाइड टैबलेट को लेने के बाद शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन, उल्टी आने का मन होना और मुंह में सूखापन होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। टॉर्सेमाइड टैबलेट की वजह से शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो सकती है। शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा होने पर किडनी की कार्य प्रणाली बिगड़ सकती है। इसके अलावा टॉर्सेमाइड टैबलेट की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। टॉर्सेमाइड टैबलेट की वजह से अन्य साइड इफेक्ट्स भी पॉसिबल है। अगर आपको टॉर्सेमाइड टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि टॉर्सेमाइड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में टॉर्सेमाइड टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। टॉर्सेमाइड टैबलेट को शाम के 4 बजे के बाद लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि टॉर्सेमाइड टैबलेट को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है। अगर आप टॉर्सेमाइड टैबलेट को शाम के समय लेते हैं तो आपको रात के समय बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने टॉर्सेमाइड टैबलेट को शाम को लेने की सलाह दी है तो आप टॉर्सेमाइड टैबलेट को शाम के समय ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब नहीं आ रहा है या जिन व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह से पेशाब कम आ रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए टॉर्सेमाइड टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर की सलाह के बिना टॉर्सेमाइड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को टॉर्सेमाइड टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को टॉर्सेमाइड टैबलेट का
सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं टॉर्सेमाइड टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए टॉर्सेमाइड टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि टॉर्सेमाइड टैबलेट माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर टॉर्सेमाइड टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब टॉर्सेमाइड टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को टॉर्सेमाइड टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को टॉर्सेमाइड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका टॉर्सेमाइड टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।